चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन रीड करो। क्वेश्चन क्या कह रहा है, वर्क डन इन टाइम टी ऑन अ बॉडी ऑफ मास एम व्हिच इज एक्सेलरेटेड फ्रॉम रेस्ट टू अ स्पीड वी इन टाइम टी वन एज अ फंक्शन ऑफ टी। ठीक है, वर्क डन कितना होगा। सबसे पहली चीज देखो, ऑब्जेक्ट यहां पर है, इनिशियल पोजिशन ए कंसिडर कर लो, इनिशियल वेलोसिटी है क्वेश्चन में दिया हुआ जीरो, रेस्ट से चलना शुरू कर रहा है और ये ए से बी तक जा रहा है, एज्यूम करो बी यहां है और यहां पर वेलोसिटी हो गई V, जैसे क्वेश्चन दिया है, तो यहां से यहां तक का जो टाइम था वो T1 लगा, A से B तक का टाइम T1 था। ठीक है, तो V is equal to U plus AT, तो फाइनल वेलोसिटी है V, फाइनल वेलोसिटी है V, इनिशियल वेलोसिटी है 0 प्लस A T1, T1 टाइम में वेलोसिटी हो गई AT1। ठीक है, तो एक्सेलरेशन कितना हुआ V अपॉन T1। अब ध्यान से देखना, वर्क डन पूछ रहा है T टाइम में कितना होगा। ठीक है, एक्सेलेरेशन हमने ए से बी तक का निकाल लिया, आगे भी इसी एक्सेलेरेशन से आगे बढ़ रहा है ऑब्जेक्ट, लेकिन ऑब्जेक्ट एज्यूम करो ए से चलना शुरू किया और ये सी तक गया। ठीक है, और यहां तक जाने में टाइम लगा टी। ठीक है, यहां से यहां तक का डिस्टेंस है एस। ठीक है, ध्यान देना, एस डिस्टेंस ट्रेवल किया और उसमें टाइम लगा, ए से सी तक जाने में टाइम टी लगा। तो इसमें ए से सी तक का वर्क डन निकालना है, ए से बी तक का वर्क डन नहीं निकालना है, यही कैच है इस क्वेश्चन का। तो वर्क डन इज इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स की वैल्यू क्या होगी, एम इनटू ए होगी। डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू क्या होगी, अगर मैं डिस्प्लेसमेंट निकालूं ए से सी तक का, तो एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है। तो डिस्प्लेसमेंट एस इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी, क्योंकि जीरो है यहां पर, इनिशियल वेलोसिटी है जीरो, तो यू की वैल्यू जीरो हो जाएगी प्लस हाफ। एक्सेलेरेशन तो वही होगा जो ए से बी तक का था, क्योंकि थ्रू आउट एक ही एक्सेलेरेशन चल रहा है, तो ए इंटू टाइम कितना टी, ए से सी तक का टाइम टी, तो टी स्क्वायर। तो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वन बाई टू ए टी स्क्वायर, ये वैल्यू उठा के रख दे हम यहां पर, वन बाई टू ए टी स्क्वायर। ठीक है, अब यहां पर मैं ऐसे लिख दूं, वन बाई टू एम ए स्क्वायर टी स्क्वायर, और टी की ए की वैल्यू कितनी है, वी बाई टी वन, तो मैं इसको लिख सकता हूं वन बाई टू एम वी बाई टी वन का होल स्क्वायर इनटू टी स्क्वायर। तो वर्क डन कितना हो गया, अगर ध्यान से देखो, अगर मैं यहां लिख दूं, वर्क डन इज इक्वल टू वन बाई टू एम वी बाई टी वन का होल स्क्वायर इनटू टी स्क्वायर, ये वर्क डन की वैल्यू होगी ए से सी तक का वर्क डन, जो एस डिस्प्लेसमेंट ए से सी तक का था और टाइम उसमें लगा था टी, तो वर्क डन की वैल्यू इतनी होगी। कौन सा ऑप्शन अप्रोप्रिएट है, वन बाई टू एम v स्क्वायर बाई टी वन स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर, ये वाला d वाला ऑप्शन ज्यादा अप्रोप्रिएट लग रहा है। देखो जरा चेक करो, सही है ना, वन बाई टू एम वी स्क्वायर बाई टी वन का होल स्क्वायर, इसको होल स्क्वायर मैंने किया हुआ है, उसको सेपरेट करना चाहो ऐसे लिख दो, वन बाई टू एम वी स्क्वायर बाई टी वन स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर, ऐसे भी लिख सकते हो जैसा कि d ऑप्शन में दिया हुआ है। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।